आप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामहं ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासित। उद्गीत अवयव ओमकार की उपासना है। लेकिन उद्गीत जो अवयव अक्षर विशेष उद गी और थ, इसमें भी उपासना होती है। ये षष्ठ मंत्र में हुआ। उसके बाद है सप्त मंत्र। प्राण एव उत इत्यादो सादृश्यम श्रुत्यैव उक्तम। पूर्व मंत्र में उत इत्यादि में प्राण की दृष्टि से उपासना बतलाई और श्रुति स्वयं ही सादृश्य कह दिया कि प्राणे न ही उत्तिष्ठते वाचो ही गिरमिति आक्षते अन्य ही इदम सर्वम स्थितम। तो श्रुति तो सादृश्य को बता दिया उपासना के लिए, लेकिन सप्तम मंत्र में नहीं बताया। दौरेव उत इत्यादो तो न उक्तम। अभी जो मंत्र आ रहा है तो सीधे बोल दिया उत में देव दृष्टि, गिर में जो है गी में अंतरिक्ष दृष्टि, सादृश्य तो कुछ कहा नहीं। तथा च तत्र सादृश्य अभावे, उपासना के लिए सादृश्य चाहिए तो सादृश्य न होने से कथम दृष्टिकरणम, दृष्टि करके जो है उपासना कैसे होगी। ऐसी आशंका होने पर भगवान भाष्यकार शंका को निवृत्त करते हुए भूमिका लिखते हैं। त्रयाणाम सत्युक्तानि सामान्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषेषु अपि द्रष्टव्यानि। तो पूर्व में जो कहते हैं ना प्रतीक कहा था उद गी थ ऐसा अक्षर ये तीन है, वहां पर सामान्य है सादृश्य बता दिया,
ऐसे सादृश्य के अनुरूप से तो सप्त मंत्र इत्यादि में सादृश्य न कहने पर भी समझ लेना चाहिए। शेषु कहने से दौर इत्यादि में अब यह मंत्र आ रहा है, यहाँ पर भी द्रष्टव्यानी मतलब ज्ञातव्यानी समझ करके दृष्टि करनी चाहिए। सादृश्य न कहने पर भी मंत्र है दौ रेव ओत अंतरिक्षम गीही पृथिवी थम आदित्य एव ओत वायुर्गीर अग्निस्थम सामवेद एव ओत यजुर्वेदो गीर ऋग्वेदस्थम दुग्धे अस्मे वाग्दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति य एतन्नेवं विद्वान उद्गीताक्षराणि उपास्त। उद्गीत इति देखो नारायण द्योर एव उद उद्गीत है ना अक्षर, पहला है उद अक्षर, तो उद्गीत का जो उद कोई भी उद नहीं है क्योंकि प्रकरण तो उद्गीत का चल रहा है, तो उद्गीत का अवयव अक्षर विषय जो उद उसी में जो है द्यो, द्यो है सर्ग तो गी शब्द में अंतरिक्षम आकाश है, तो थम थम अक्षर में पृथ्वी की दृष्टि से, आदित्य एव उत फिर आगे कह रहे उत में आदित्य, और गी शब्द में वायु दृष्टि से, अग्निस्थम थ शब्द है थ में अग्नि की दृष्टि से, और साम एव उत और उत अक्षर में कौन सी दृष्टि सामवेद, सामवेद की दृष्टि से, क्योंकि सामवेद की स्तुति होती है स्वर्ग शब्द से। और यजुर्वेद गीही गी शब्द में यजुर्वेद की बताएंगे भाष्यकार सब, और ऋग्वेद स्थम और थम में ऋग्वेद, तो ये तो उपासना हो गई। और फल क्या मिलेगा यहाँ पर बोलते कि दुग्धे अस्मे बाघ, ये जो बाघ है ना बाघ संबंधित तो उपासना है, तो कहते हैं बाघ जो है ना वो फल देती है, बाघ है दुग्धी दुग्धी, क्योंकि बाघ स्वरूप जो ऋचा है उसमें आरूढ़ होकर के शाम का गान किया जाता है, ऐसा जो है उपासना करता है तो वाणी उसको फल देती है, अस्मल साधकाय उपासकाय दुग्धे मतलब दुग्धी दोहन करती है मतलब फल देती है, कौन देती है बाघ, बाघ जो देती है क्या देती है बोलते दोहम फल देती है, अपने आप को ही देती है। इस प्रकार जो उपासना करेगा तो बाड़ी में ऐसा सामर्थ्य आ जाता है, शुद्ध उच्चारण करने लगता है, शुद्ध उच्चारण है ये फल, यो वाचो दोह ये वाणी संबंधी ही फल है, दोह है यहाँ पर दोह शब्द का अर्थ फल, और इतना नहीं और भी फल है, अन्नवान अन्नादो भवती य एतानि एव विद्वान, ऐसा जानता हुआ उद्गीत अक्षर में जो उपासना करेगा, कौन उद्गीत है और कोई दूसरा प्रश्न नहीं चल रहा है, उद्गीत अक्षर ही है, इसमें जो उपासना करेगा ये भी फल है। हाँ देखो अन्नवान वो अन्न वाला हो जाएगा, अन्न तो मिलता ही है,
उपासना के बिना भी अन्न मिलता है। बोलते हैं पर्याप्त अन्न मिलेगा, अन्न की कमी नहीं होगी, लेकिन खाने के लिए समर्थ भी होगा। लेकिन तो अन्नादो अन्नाद भवति अन्नम अति इति अन्नादः, मतलब प्रदीप्त अग्नि वाला कितना भी भंडारा खाए तो सब पच जाएगा, प्रदीप्त अग्नि वाला होगा। तो ये भी फल है उपासना का। देवरेव ओत, ओत में देव के दृष्टि से क्यों करनी है कि कहते हैं कि जो है उच्च स्थान, देवलोक तो ऊपर स्थान में है ना स्वर्ग, इसलिए ऊत में जो है उपासना हो जाएगी। अंतरिक्ष को क्या कह दिया, गी शब्द में अंतरिक्ष की दृष्टि से बोलते अंतरिक्ष क्या करता है भाई, सारा संसार तो आकाश में ही तो है सारा संसार। जैसे हम आश्रम के लोग कहाँ पर आश्रित है, हम आश्रम के लोग आकाश में तो आश्रित है ना, कोठारी कोठारी आकाश ना है, उसमें सब आश्रित है कि नहीं। इस वजह सारा संसार भी आकाश में आश्रित है ना। तो अंतरिक्षम गिही मतलब गिरणाद लोकानाम, सारे लोगों को अपने में आश्रित करके लगता है कि सबको निगल लिया, कौन आकाश, क्योंकि आकाश तो व्यापक है व्यवहार में, इसलिए गी शब्द में अंतरिक्ष की दृष्टि से इसमें दिया है। अंतरिक्षम आकाश, अंतरिक्ष से यहाँ पर आकाश को लेना है, तो आकाश को जो है गी कैसे हुआ, गी कैसे कहा, तद अंतः प्रतिष्ठा लोका, तस्मिन अंतः प्रतिष्ठन्ते इति तद अंतः प्रतिष्ठा। आकाश में तो सारे लोग आश्रित है, इसलिए तेना गिरना एवं, जैसे कि आकाश सबको निगल लिया है, इति महत्व निगला नहीं है, निगला हुआ सर प्रतीत होता है, इसलिए बोल रहे गिरनाथ लोकनाम। और पृथ्वी थम, पृथ्वी क्या है, थम थम थ शब्द में पृथ्वी की दृष्टि है, प्राणी स्थाना, क्योंकि सारे जो है प्राणी पृथ्वी में है। आदित्य एव उत, उत में आदित्य की दृष्टि से, क्यों आदित्य भी ऊपर है तो उत का भी अर्थ ऊपर होता है, इसलिए ऊर्ध्वत्वाद, ऊर्ध्व होने से उत में आदित्य की दृष्टि से। और वायु की ही, गी शब्द में वायु की दृष्टि से कैसे हुआ ये, अग्नियादि नाम गिरणा, ये सारे अग्नियादि कार्यों को वायु जो है ना वो निकल लेता है, अपने में लीन कर लेता है, ये संवर्ग विद्या उपासना में है, ये यहाँ पर दिया है। अग्नियादि नाम गिरणा, अग्नियादि कार्यों को ये वायु जो है अपने में लीन कर लेता है, गृह निगरण है, लीन करना रूपी गिरण हो गया, निगलना हो गया, ये कहाँ पर है, संवर्ग विद्यायाम द्रष्टव्यम, ये संवर्ग विद्या में जानना, अभी आएगा संवर्ग विद्या, इसी में है छांदोग्य में, रेक्यो रेक्यो जानश्रुति के संवाद में आता है। इसको कहते हैं विशिष्ट विशिष्ट गुण क्रिया संबद्ध उपासना, विशिष्ट गुण क्रिया संबंध उपासना है ना। तो कहीं प्रतीक उपासना भी होता है, कहीं संपद उपासना भी होता है, और कहीं विशिष्ट गुण क्रिया संबद्ध उपासना, तो ये संवर्ग विद्या होती है, संवर्जन रूपी क्रिया, इसी से समष्टि वायु प्राण की उपासना होती है।
ये छांदोग्य में आएगा संवर्ग विद्या में। तो वायु जो है अध्यात्म प्राण सुसुप्ति में लीन कर लेता है सबको, है ना, और अधिदेव में समष्टि वायु वायु गेह अग्नि नाम गिरणा। और अग्निस्थम थ में अग्नि की दृष्टि से, क्यों, यज्ञ कर्म अवस्थाना, सारे यज्ञ जो कर्म होता है ना वहां पर अग्नि रहता है ना, अग्नि के बिना कर्म कैसे करेगा, सभी यज्ञ कर्मों में अग्नि स्थित है ना, तो इसलिए थ अग्नि हो गया स्थित, इसलिए थ शब्द समानता हुई। ऐसा है तो। और आगे साम वेद व उत, उत में साम वेद की दृष्टि से, क्यों, स्वर्ग संस्थ तत्व, साम वेद को स्वर्ग शब्द से स्तुति की जाती है, साम वेद की बड़ी महिमा है। इस जगह साम वेद का गायन करते हैं सुनते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, जैसे देवताओं को स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है कि नहीं, जो साम वेद का गान करने वाले और सुनने वाले को बड़ा सुख मिलता है, है ना, ये संगीतकारों को संगीत में बड़ा सुख मिलता है कि नहीं। ये आया है इसमें दे रहे हैं साम वेदो वही स्वर्गो लोक, ये देखो ये साम वेद को स्वर्ग लोक शब्द से स्तुति की जाती है, साम वेद की बड़ी महिमा है। वेदानाम साम वेदोस्में विभूति में भी आया, साम वेद को भगवान की विभूति बतलाई गीता में, इसलिए जो है साम वेदस्थ संस्तुतत्वात् साम वेद की जो है स्तुति की जाती है। अच्छा, और वायुर गेही, हाँ ये तो हो गया, यजुर्वेदो गेही, गी शब्द में यजुर्वेद की दृष्टि से, क्यों, यजुषा प्रदत्तस्य, द चाहिए प्रदत्तस्य, जिसमें नहीं है वो लोग लिख लो, प्रत्तने प्रदत्त, नई में भी नहीं है, अच्छा तो जैसा कि तैसा, पहले भी है ऐसा बाद में भी ऐसा, तो द चाहिए ना, तो यजुषा प्रदत्तस्य, यजुर्वेद मंत्र से दिया गया जो हवि द्रव्य देवताओं के लिए, है ना, तो यजुर्वेद मंत्र से दिया गया जो हवि है उस हवि को देवता लोग ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं किस मंत्र से देने पर, यजुर्वेद से, ऐसा आया है हविषः देवतानां गिरणा, देवताओं का गिरण होता है, हवि का ग्रहण होता है, इसलिए कहा जा रहा है यजुषा मतलब स्वाहा, इंद्रे स्वाहा, अग्ने स्वाहा, पितृव्य स्वधा, ऐसे मंत्र आता है यजुर्वेद मंत्र, उसे हवि दी जाती है, फिर देवताओं को जो है प्राप्त होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ऋग्वेदस्थम थ में ऋग्वेद की दृष्टि से, थ शब्द में ऋग्वेद की दृष्टि से, क्यों, बोलते ऋचि अद्युढ़त्वा सामना, ये साम का जो ज्ञान किया जाता है ना, ऋचा में आरूढ़ होकर के साम का ज्ञान किया जाता है, इसलिए जो है थ में ऋग्वेद की दृष्टि से। और थोड़ा सा ले लो अध्यात्मम अधिलोकम, टीका में देखो, एक तो अध्यात्म उपासना हो गई और अधिलोक उपासना, अधिदेव उपासना और अधिवेद उपासना, कितना हुए, चार हुए ना, पहला क्या है अध्यात्म, मतलब शरीर संबंधी उपासना, उसको कहेंगे अध्यात्म, है कैसे, पहले कहा
प्राण की दृष्टि, वाक की दृष्टि, ये सब अध्यात्म उपासना होगी। आत्मा मतलब शरीर, शरीर संबंधी उपासना हुई। और अधिलोक कैसे हुआ? द्युलोक, आदित्य लोक, ये सब क्या हो गया? अधिलोक। हाँ, द्युलोक क्या दिया? द्युलोक अंतरिक्ष, द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, पृथ्वी लोक है, ये सब हो गए अधिलोक उपासना। और अधिदेव उपासना कैसे हुआ? आदित्य की दृष्टि से उपासना, वायु की दृष्टि से, अग्नि की दृष्टि से, ये हो गए अधिदेव उपासना। और अधिवेद उपासना क्या हुई? साम वेद की, यजुर्वेद की, ऋग वेद की, ये हो गए अधिवेद उपासना। अधिवेद मतलब वेदम अधिकृत्य, वेद को विषय करके उपासना। तो कहाँ पर हुई? नाम अक्षर उपासना है ना, उद्गीत का जो नाम जो अक्षर है ना, उद्गीत ऐसे, उसमें उपासना बताई। अर्थात फलोक्तिम अवतार्य, और मंत्र में फल वाक्य है, फलोक्ति का अर्थ फल वाक्य, कौन? दुग्धे अस्मि बाग दोहम, ये हो गए फल वाक्य। उसका व्याख्यान करते हैं व्याकृति। देखो भाष्य में, उद्गीता अक्षर उपासना फलम अधुना उच्यते। अभी जो है ये कहा जा रहा है, और पहले तो बोलता दिया उपासना, कितनी उपासना होगी? चार। चार उपासना का विचार करने के बाद अधुना मतलब वर्तमान में उस उपासना का फल को बताया जा रहा है। फल तो मंत्र में आया दुग्धे, दुग्धे का अर्थ दोग्धे, दोहन करता है मतलब फल देता है, फल देने वाले को बोलते हैं दोग्धि। हाँ, दोग्धि दुह प्रपूर्ण, दोहन करने वाला मतलब फल देने वाला। तो अस्मयी मंत्र में आ गया, अस्मयी मतलब उपासक या साधक आया, जो साधक है ना उपासक, उसी को फल मिलेगा। तो कौन फल देगी? फल कौन देगी? का सा प्रश्न, उपासक को फल कौन देगी? मतलब दोहन रूपी क्रिया का कर्ता कौन? कासा मतलब दोहन रूपी क्रिया का कर्ता कौन, मतलब फल कौन देगी? कासा। उत्तर दिया जा रहा बाक। ये मंत्र में जो आया ना दुग्धे, दुग्धे का कर्ता कौन हो गया? बाक। वाणी ही फल देती है। यहाँ पर बोलते हैं क्या देगी? कम बोले दोहम, दो मतलब फल, फल देगी। कोशो दोह, बोले दोह रूप जो कर्म ये फल है, कौन सा फल है यहाँ पर? इतिहास, इसलिए मंत्र में आ गया यो बाचो दोह, यो बाचो दोह। दोह तो प्रथम आ गया कि वचन है, दोह का अर्थ फल, ठीक है। और बोलते हैं बाच में क्या है? षष्ठी का एक वचन, पांच का वाच, इसको कहते हैं कर्म अर्थ में षष्ठी, कर्तृ कर्मणो हो कृति, ये सूत्र है कर्तृ कर्मणो हो कृति। आगे कृदंत शब्द है ना दोह, उसके योग में वाच में षष्ठी हो गई। तो वाच दोह का अर्थ क्या हो गया? वाक संबंधी फल, वाक संबंधी फल, वाणी ही फल देगी, फल का विषय भी वाणी ही है। मतलब वाणी में शुद्धि आ जाएगी, वाणी में सामर्थ्य, शुद्ध उच्चारण। ये टीका कल देखेंगे। देखो एक पंक्ति पहले भाष्य में ले लेते हैं, फिर टीका में आएगी। ऋग वेदादि शब्द साध्यम फलम, तो ऋग वेदादि ये शब्द है ना, ये शब्द है, शब्द से साध्य क्या होगा? फल होगा। इति अभिप्राय, ये अभिप्राय हो गया। तात्पर्य है तद वाचो दोह, वाक कर्म का ही दोह रूपी फल है।
और वाणी किसको फल देगी? अपने आप को ही फल देगी। फल देने वाले वाणी है, फल भी वाणी को ही मिलेगी। इसलिए तम स्वयं एव बाघ दुग्धि, वो वाणी स्वयं को ही जो है फल देती है। अभिप्राय है, देख लो टीका में दिया है, तत् साध्यम फलम, वाणी से सिद्ध होने वाला फल कौन सा फल है? यहाँ पर बोलते हैं स्वाधीना उच्चारण क्षमत्वम, उच्चारण करने में वो क्षमता आ जाती है ना, स्वतंत्र होकर के। हाँ, गुरुमुख से तो सुनेगा अवश्य, ज्यादा प्रयास उनको नहीं करना पड़ता है, एक बार सुन लिया तो उच्चारण करने में समर्थ हो जाता है। कभी कभी 10 बार भी उच्चारण कराओ, उच्चारण करना नहीं आते किसी को, कि नहीं अ को आ बोलेंगे, आ को अ बोलेंगे, ऐसे भी होता है कि नहीं? जो लोग पढ़ाते हैं उन लोग पता होगा, कई प्रकार के छात्र आते हैं ना, उसको 10 बार भी उच्चारण करा दो नहीं आता है कि नहीं? ये स्कूल है तो इसको स्कूल बोलेंगे क्या? कितना भी समझा लो, स्कूल बोल ही नहीं सकता स्कूल। तो हमारे साथ में पढ़ते थे वो, कि स्वामी जी ये तो मंत्र बड़ा जो है क्लिष्ट है। हाँ, ये जो है मंत्र, ये सूत्र है व्याकरण का, वो क्या बोलेगा, वो क्लिष्ट है, वो क्लिष्ट बोल ही नहीं सकता था वो। तो ऐसा होता है, व्याकरण पढ़ने के बाद भी नहीं होता किसी किसी को। तो ये जो उपासना यदि करेगा तो उसको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। इल्टीका लिखते हैं स्वाधीना उच्चारण क्षमत्वम, आगे लिखे देखो, तद अनायासेन अस्य संभवति, उच्चारण करने में जो क्षमता है मंत्रों को शब्दों को, ये ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा प्रयास किया तो ये फल मिल जाता है उसको। ये अभिप्राय है। भाष्य माया तद वाचो दोह, तद से क्या लेंगे, तद इति प्रकृत फल परामर्श, वो फल जो है ना वाक संबंधी ही फल है। फल देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं षष्ठी षष्ठी, जो वाचो दोह में षष्ठी थी है कि नहीं, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति जो है तो किस अर्थ में है, देखो लिख दिया, पहले एक पंक्ति हमने छोड़ दिया था, यो वाचो दो इत्यत्र षष्ठी कर्मणि द्रष्टव्य, देखो लिख दिया था ना, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कर्म अर्थ में षष्ठी, कहाँ पर है, यो वाचो दोह, यो वाचो दोह, यहाँ पर वाच में जो षष्ठी विभक्ति है ना, वो किस अर्थ में नारायण, यहाँ पर जो है कर्म अर्थ में, कर्म कर्म, ये फल का विषय वाणी ही है। तो वाचो दोह का क्या अर्थ हुआ, वाक कर्म का दोह, समझ में ना, वाक कर्म का दोह, इसको बोलते हैं कर्तृ कर्मणोः कृति, इस सूत्र से होता है, इस सूत्र से ही वाचा में षष्ठी विभक्ति हो गई है ना। तो ठीक इसी प्रकार से तद वाचो दोह में भी जो षष्ठी भाष्य में दिया है, यहां पर भी ऐसे ही अर्थ समझ लेना चाहिए। यहाँ पर दे हैं टीकाकार, षष्ठी पूर्ववत, यो वाचो दोह में जैसी षष्ठी हुई तद वाचो दोह में भी ऐसी षष्ठी है। तम स्वयं एव बाघ दुग्धि आत्मानम एव दुग्धि, तम कहने से देह फल, वो फल जो है ना वो वाणी अपने आप को ही देगी। वाणी संबंधी उपासना करोगे तो फल भी किसको मिलेगी, फल मिलेगा वाणी को ही मिल रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं वाच एव दोहे कर्मत्वम कर्तृत्वम च इतिहा आत्मनमेव, है ना, ये दोहन रूपी जो क्रिया है ना, फल रूपी देने की जो क्रिया है, वो क्रिया का कर्ता भी वाणी, अब फल भी मिल रहा है वाणी को, है कि नहीं। ये कर्मत्वम कर्तृत्वम, दोहन रूपी क्रिया का कर्तृत्व वाणी में है, दोहन रूपी क्रिया का फलत्व कर्मत्व भी वाणी में है, ये दोनों हो गया। तात्पर्य ये है,
यादोगदि सा बाकेव, जो दोहन कर रहा है मतलब फल दे रहा है वही बाणी है और फल भी बाणी को ही मिल रहा है। साच आत्मन एव तम दोगदी थी योजना, ऐसा समझ लेना चाहिए। ऐसा है। अच्छा भाष्य, और भी फल है, अन्न मिलेगा, अन्न के बिना देख कुछ कर नहीं सकते। किंच अन्नवान, मंत्र माया अन्नवान, अन्नवान का अर्थ अन्नम अस्य स्थिति अन्नवान, अन्न तो सबको मिलता ही है, तो ये क्या उपासना का फल हुआ? अन्न की प्राप्ति मात्र उपासना का फल नहीं, हाँ तो फिर क्या फल है? बोलते हैं कि प्रभूत अन्न, ये तात्पर्य, प्रभुतम अन्नम यस्य, जिसको अन्न बहुत मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा, वो भी यहाँ पर अनुकूल मिलना चाहिए, अनुकूल मिलना। ऐसे लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं वो ला कर देते हैं, कोई केला नहीं खाता है केला लाकर दो डजन लाकर दे दिया तो क्या करोगे? इसलिए पूछना पड़ता है कि स्वामी जी आप क्या फल खाते हैं, कि नहीं पूछना चाहिए ना, ऐसा है। मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, अन्यत्र अन्यत्र ऐसा। तो इसी तात्पर्य है कि अनुकूल मिलेगा अन्न और पर्याप्त मिलेगा अन्न, और अन्न खाने का सामर्थ्य भी होगा, इसलिए बोलते अन्नादह, मतलब दीप्ताग्निर भवति, है ना, दीप्त, हाँ दीप्त अग्नि यस्य, ऐसा करना, जिसकी अग्नि मतलब जठराग्नि बहुत प्रज्वलित हो, ये भी उपासना का फल है। दीप्तान्निर भवति, कौन? उपासक। य एताने जथोक्तानि एवं जथोक्त गुणानि, पहले से बता दिया ऐसे गुण, है ना, ऐसे गुण वाले जो है तो उद्गीत अक्षराणि, उद्गीत का जो है अक्षर है उद गीत, और किस गुण से उपासना करनी ये सब से बता दिया। विद्वान सन, जानता हुआ जो उपासक है, जानने से तो नहीं होगा फल, उपासना भी करता है, उपासते, किसकी उपासना करेगा? उद्गीत, उद्गी और थ, जथोक्तानि मतलब यही है, प्राण वाक अन्नादि रूपत्वेन उक्तानि इति यावत्। प्राण है, वाक है, अन्न है, इसकी दृष्टि से उपासना हुई ना, और जथोक्त गुण भी है, प्राण आदि में से गुण होता है, जथोक्त गुणाने क्या है? उत्थान है, गिरण है, स्थिति है, ये सब ले लो, है ना, उत्थान गिरण स्थित्यादि धर्मकाणि इत्यर्थ, इस किसका अर्थ हो गया? जथोक्तानि का, जथोक्त गुणाने का, जथोक्ताः गुणाः येषां, ऐसा करना है। उद्गीत अक्षराणि इति उक्तम, देखो मंत्र में आया ना, विद्वान उद्गीत अक्षराणि कह दिया, और फिर उसके बाद क्या क्या उद्गीत फिर कह दिया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उद्गीत अक्षराणि इति उक्तम, है ना, विशेषण अनुवाद ना, फिर विशेषण दे रहे उद्गीत, इसका स्पष्ट किया स्फुटयति, उद्गीत अक्षराणि विद्वान उपास्ते उद्गीत इति, उद्गीत के जो अक्षर जो है ना उद्गीत, उसकी यहाँ पर उपासना है ना, नाम की उपासना है, इसलिए कहा उद्गीत इत्येवम रूपस्य एवं रूपम यस्य, ऐसा जो है नाम उद्गीत का नाम, कौन? तीन हो गए ना, उद गी और थ, इसकी यहाँ पर उपासना है, उपास्य है उद्गीत, अदृष्टि है प्राणादि की। अच्छा अब जो है एक प्रासंगिक बता रहे हैं, उपासना तो चल रही है उद्गीत की, लेकिन उपासना का प्रसंग आया इसलिए एक प्रासंगिक विचार हो रहा है, प्रासंगिक विचार। तो टीकाकार स्पष्ट कर देते हैं
कि बागादि समृद्धि फलकम उपासनम उपदिश्य। तो वाणी आदि में जो है समृद्धि होगी, यही फल है। बागादि समृद्धि फलकम उपासनम उपदिश्य, फल समृद्धि येन प्रकारेण भवति, जिसका जान करके चिंतन करेंगे तो फल में क्या आएगी, समृद्धि आएगी, फल में समृद्धि आएगी। येन प्रकारेण भवति, जिस प्रकार से फल में समृद्धि होती है, तत्प्रकारम ज्ञानम, उसके प्रकार को जानना चाहिए, तत्प्रकार ज्ञान होना चाहिए, जिस प्रकार से जानने पर फल में क्या आएगी, समृद्धि आएगी। हाँ, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्यों जानना है, देखो, सर्व काम्यो उपासना शेषभूतम प्रासंगिकम है, देखो जितने भी काम्य उपासना है ये सबके लिए अंग है, शेष है ये, इसके बिना जो है ना फल ठीक से मिलता नहीं, जो कहने जा रहे हैं, इसके बिना फल में जो है ना वृद्धि नहीं आती, फल विशिष्ट नहीं होता है, उपासना पूरा नहीं होता है, इसलिए जो कहते हैं प्रासंगिकम, ये प्रासंगिक हुआ, प्रासंगिक इसलिए बोल रहे हैं, उपासना तो बुद्ध की तक ही चल रही है कि नहीं, लेकिन जो कहने जा रहे हैं इसके बिना जो उपासना होती नहीं है, इसलिए इसको बताना आवश्यक है। इसलिए प्रासंगिकम विधीयते, प्रासंगिक का विधान किया जाता है, ये कहने जा रहा है। अथ खल्वासी ही समृद्धेर उपसरणानि इत्युपासित येन साम्नास्तस्यन् स्यात् तत्सामो उपधावे। अथ है इसके अनंतर, बागादि समृद्धि फल का उपासना का कथन के अनंत, अत शब्द का अनंत लेना है। और खलु द्वैतक अर्थ में है, ये सभी काम्य उपासना का अंग के रूप से ही है, ये जो उपासना अभी बता रहे हैं, इसलिए कह दिया खलु आशी ही समृद्धि है ना, आशीष समृद्धि, आशी ही समृद्धि, षष्ठी तत्पुरुष है, हाँ, ये काम्य फल में समृद्धि होती है, काम्य फल में समृद्धि होती है। उपसरणानी जथा भवे तथा विधिहते, जो ध्येय होते हैं, ऋषि का चिंतन करना होता है, जिस मंत्र के ऋषि होते हैं और उस मंत्र का जो छंद होता है, उसका देवता होता है कि नहीं, जो उपासक होता है अपना का भी चिंतन करेगा, अमुक गोत्र का, ये सब जो है जैसा चिंतन करना चाहिए ऐसा जरूर चिंतन करना चाहिए। उपसरणानि इति उपासित, इस प्रकार चिंतन करे, उपासना करे। जो ध्येय जो विषय है कौन, छंद ऋषि ये सब ले लो। ये न सामना स्तस्यन, जिस साम विशेष से हैं जो है गान करेगा, ये अमुक साम है, वो साम का भी चिंतन करना पड़ता है, साम का नाम होता है सब है ना, जिस साम विशेष से वो देवताओं की स्तुति करता है उसको भी जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो शनशा स्तुति आगे करेगा, स्तुति करने से पहले वो साम का चिंतन करे, ये कह रहा है। तत्साम उपधावेद, उस साम मंत्र का यहाँ पर चिंतन करे, उपधावित का अर्थ चिंतयेत, साम मंत्र के ऋषि है, छंद है, मंत्र है, ये सब जो है ना क्रम से चिंतन करना चाहिए है। और हिंदी में क्या, देखो जिस साम विशेष से, जिस साम विशेष से क्या दिया है, जिस साम विशेष से उद्गाता को स्तुति करनी, ऐसा पाठ होना चाहिए। जिस साम के द्वारा, वो भी चलेगा, वो भी ठीक है, अथवा जिस साम विशेष से
उद्गाता को स्तुति करनी हो ऐसा होना चाहिए। कहने का मेरा अभिप्राय है कि उद्गाता की स्तुति करनी हो तो स्तुति उद्गाता की हो रही क्या? स्तुति किसकी करनी है? साम की स्तुति ना, देवता की स्तुति तो देवता की है लेकिन साम विशेष से करनी है ना, हाँ, इसलिए उद्गाता को स्तुति, उद्गाता की स्तुति करनी हो तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। उद्गाता स्वयं स्तुति करेगा वो, कि उद्गाता को जो स्तुति करनी है साम विशेष से है ना, हाँ, उस साम का चिंतन करना चाहिए, ये तात्पर्य है। ठीक है, जहां पर लिखा है उद्गाता की, वो की शब्द नहीं चाहिए, उद्गाता को करेंगे तो चलेगा। ठीक है ना राम? अच्छा आगे देखो भाई, अत खलु इदानीम कहा, अत खलु इदानीम आशी ही समृद्धि ही, एक ही पद आशी ही समृद्धि। आशीष मतलब क्या? कामस्य, काम है फल, कामस्य समृद्धि यथा भवे है ना, फल में समृद्धि हो जाए यथा जिस प्रकार हो जाए तत् उच्यते, उसी को यहाँ पर कहा जाता है। अच्छा, अत शब्द का अर्थ अनंतर है, मैंने बता दिया था, बागादि समृद्धि फलक उपासना अनंतरम अत शब्द अर्थ है। और खलु क्यों दिया? बक्षमाण उपासना नाम, जो उपासना आगे बताई जाएगी, लेकिन कौन उपासना बताई जाएगी? सर्व काम्य उपासना शेषत्व, जितने भी काम्य उपासना है, काम्य उपासना के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, और निष्काम भाव से उपासना हो तो ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता है, लेकिन काम्य उपासना के लिए बहुत है ना, थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो फल नहीं मिलेगा। निष्काम भाव में ही दोष नहीं होता है ना, काम्य कर्म में दोष होता है, इसलिए बोलते हैं सर्व काम्य उपासना, जितने भी काम्य उपासना है उसका शेष जो है यही है जो कहने जा रहे हैं, ये अंग है, इसी को दिखाने के लिए द्वितनार्थम खोलू इत्यर्थ। खोलू कहाँ पर मंत्र में? अतो खलू प्रासंगिकत्वम दर्शयति, ये प्रासंगिक विचार है ना, ये प्रासंगिक विचार तो उद्गीत का मुख्य विचार है, लेकिन प्रसंग उपासना होने से ये विचार चल रहा है प्रासंगिक। अच्छा, काम, काम क्या है? तो काम शब्द फल विषय, कामस्य कह दिया ना, कामस्य समृद्धि, भाष्य में आया कामस्य समृद्धि, काम का यहाँ पर इच्छा नहीं, काम का अर्थ फल, काम्यते थी काम, इच्छा का विषय फल हो गया। ठीक है, हाँ, काम से समृद्धि यथा भवेत तद उच्यते, तद मतलब क्या? तद शब्द प्रकार ज्ञान परामर्श, जिस प्रकार से ज्ञान होना है साधक को, जिसको जानना चाहता है ना, ऐसे ज्ञान को यहाँ पर कहा जा रहा है, चिंतन को कहा जा रहा है। उच्यते का अर्थ विधीयते, विधान किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा आगे देखो भाई, इति वाक्य शेष, इतना वाक्य का अध्ययन कर लो। आगे देखो, उपसरणानि, मंत्र माया उपसरणानि मतलब उपसर्तव्यानि, फिर इसका भाष्य है देखो व्याख्यान, उपगंतव्यानि, फिर ध्याने, देखो मंत्र माया उपसरणानि, उसका व्याख्यान है उपसर्तव्यानि, फिर उसका व्याख्यान है उपगंतव्यानि, फिर उसका व्याख्यान है ध्याने। इले स्वपदाने च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदवे, अपने पद का भी भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं है ना, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं होती, भाष्य में पुनरुक्ति ये भाष्य का लक्षण ही है, और अन्यत्र को लिखेगा तो वहां पर पुनरुक्ति हो जाएगी, भाष्य में पुनरुक्ति दोष नहीं होता, ये भाष्य का लक्षण ही है। इसलिए जो कथाकार लोग होते हैं ना,
कथाकार के बोलो स्वामी जी आप ज्यादा नहीं 10 मिनट बोलो, लेकिन पर्याय नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? एक शब्द का उसका पर्याय नहीं बोलना है। देखो बोल नहीं पाएंगे, एक शब्द को उसको 10 बार इधर उधर का बोलते कि नहीं, उनको अभ्यास हो जाता है। कथाकारों का पर्याय बोलते बोलते अभ्यास, इसलिए स्वाध्याय लेंगे तो वहां पर ही पर्याय बोलते रहते हैं, लेकिन वो सब पुनरुक्ति हो क्या होता है वो पुनः जो समझ में नहीं आता फिर उसका दूसरा शब्द करो। लेकिन जब एक शब्द से समझ में आ रहा है तो दूसरा शब्द का प्रयोग क्यों करना है? फिर व्यवहार में सब क्या पुनरोक्ति आती है, भाषा में पुनरोक्ति नहीं आती है, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। अच्छा, ध्यान प्रकारम प्रश्न पूर्वकम विशदयति। हाँ, ध्यान क्या है? ध्यान के प्रकार को बोले क्या चिंतन करना है, कथम किस प्रकार चिंतन करना है, इसको प्रश्न कर दिया कथम। कथम बोले किस प्रकार से चिंतन करना है ना? तो क्या उत्तर दिया? इति उपासित। कथम में प्रश्न चाहिए, कथम में प्रश्न चाहिए है भाष्य में प्रश्न। इति उपासित मंत्र में आया ना, इति इति का अर्थ एवं, इति का अर्थ एवं, एवं उपासित इस प्रकार चिंतन करे साधक। सभी उपासना के लिए ये अंग है। इति उपासित का व्याख्यान है भाष्य में दिया, इति शब्दार्थम अभिनयति एवं उपासित इस प्रकार चिंतन करे। भगवान भाष्यकर करें इस प्रकार चिंतन करे, जो काम्य कर्म का काम्य फल का उपासना करना चाहता है तो पहले इसका चिंतन करे। एवं शब्दार्थम, एवं उपासित में जो एव शब्द है उसका जो अर्थ है उसको उदाहरण निष्ठतया उदाहरण में रखते हुए स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टयति तत यथा, वह इस प्रकार, किस प्रकार? ये न सामना, ये न साम विशेषण। साम क्या है? साम विशेष, बहुत सारे साम होते हैं, त्रिविध पंचदश सप्तदश एकविंश ये सब साम होते हैं। जिस साम विशेष से स्तोष्यन मतलब स्तुतिन करिष्यन, स्तुति आगे करेगा उपासक, स्तुति करेगा देवताओं की, स्याद भवेद कौन करेगा? उद्गाता, उद्गाता करेगा ना। तत् साम उपधावे, उस साम का चिंतन करे, मतलब ये अमुक साम है, इस साम से मुझे स्तुति करनी है देवता की, ये पहले ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बोलते उपधावे का तो उपसरेत मतलब चिंतये उत्पद्यादि भी, उत्पद्यादि मतलब उत्पद्या भी कौन सा फल मिलेगा इत्यादि। आदि शब्द से छंदो, ये छंद देखो, ये अमुक छंद है, अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, छंद का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं जो है ना, जो श्लोक बोलना है वो श्लोक उस छंद का पहले लक्षण बोला जाता है। पहले परंपरा थी, पहले भंडारे में श्लोक बोलने की परंपरा थी है ना, और जो श्लोक विशेष बोलना है जिस छंद का, वो छंद का पहले लक्षण बोलते थे। पहले क्या बोलते थे? छंद का लक्षण बोला जाएगा फिर श्लोक बोला जाएगा, पहले की परंपरा थी है ना। तो कैलाश में भी पहले यही परंपरा थी, कैलाश आश्रम में। और अनुष्टुप छंद नहीं बोलना है, अभी भी है शायद ऐसा, अभी भी अनुष्टुप छंद नहीं बोला जाता। यहाँ पर अनुष्टुप छंद भी लोग नहीं बोल पाते बाकी छंद क्या बोलेंगे अच्छा छंद का ज्ञान होना चाहिए और देवता का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब ले लो। और अपने गोत्र आदि का भी ज्ञान होना चाहिए अच्छा कहाँ पलट गया, हाँ ठीक है।
ये हो गया। आगे अगला मंत्र है, यस्यामृचे तामृचम् जदार्षेयं तं ऋषिं यां देवताम् अविष्ठोष्यन् स्यात् ताम देवताम उपधावेत। यस्यामृचि ताम ऋचम उपधावेत, उधर अन्वय है। ऋचम का क्रियापद हो गया उपधावेत, और कर्ता पद कौन होगा? उद्गाता, जो उद्गान करेगा ना, सामगान करेगा, है ना। तो उपधावेत मतलब चिंतयेत, यहाँ पर विधि हो रही है, विधान, उपधावन रूपी चिंतन का विधान हो रहा है। यस्याम ऋचि, जिस ऋचा में साम जो है वो प्रतिष्ठित है, उस ताम ऋचम, उस ऋग विशेष को चिंतन करे, मंत्र विशेष को। और उसमें जो है ऋषि भी होते हैं, ऋषय मंत्र द्रष्टार है कि नहीं। तो या यदार सेयम ताम ऋषिम, यदार्षयम मतलब क्या? यस्य ऋषेः इदम् इति यदार्षयम्, ऐसा करना है ना। जो साम जो है ना, सामत मंत्र है, जिस ऋषि संबंधी हो तम ऋषिम, उस ऋषि का भी चिंतन कर। मंत्र जप करते हैं ना, वो मंत्र का जो दृष्टा होते हैं ऋषि, उसका भी चिंतन पहले पहले करना पड़ता है, है ना। तो यहाँ पर मंत्र पाठ में भी ऐसा होता है। और जो देवता है मंत्र के, उसका जिस मंत्र का, जिस देवता का, देवता की स्तुति करनी है, देवता की स्तुति करनी है, उसका भी चिंतन करे, ये बोलते हैं। याम देवताम अविष्ठोष्यन, जिस देवता विशेष को, विशेष की स्तुति करेगा आगे, उसका पहले चिंतन कर ले। ताम देवताम उपधावे, उस देवता का चिंतन करे। उपधावेत का अर्थ सभी, अन्वय सभी के साथ हो जाएगा। तो उपधावन रूपी चिंतन रूपी क्रिया का विधान हो रहा है। यस्यामृचि तत्साम, वो साम जिस मंत्र में आरूढ़ है, ताम च ऋचम उपधावे, वो ऋचा का चिंतन करे। देवता भी, देवता है ये सब ले लीजिए, उसका भी चिंतन करना होगा। जदार्षेयम साम तत् तर चर्षिम, वो साम जिस ऋषि संबंधी हो, जदार्षेयम उस वो साम जिस ऋषि संबंधी हो, उस ऋषि का भी चिंतन करे। च ऋषिम, विच्छेद करना, च ऋषिम। याम देवताम अविष्टोष्यन् स्यात्, जिस देवता की स्तुति करनी हो उपासक करेगा, ताम देवताम उपधावेत, उपधावे कहते चिंतयेत, चिंतन करे। देवताधिभि इति आदिपदेन आर्षयम्, ऋषि है, गोत्र है, ये सब सब चिंतन करेगा वो, आदि शब्दों से ले लीजिए। अच्छा, ये न छंदसा स्तोष्यन् स्यात्, तच्छंद उपधावे, येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्, तम स्तोमान तम स्तोमम उपधावे। जिस छंद से स्तुति करेगा देवताओं की, ता छंद उपधावे, उस छंद का भी चिंतन करे। छंद द्वितीय एक वचन, छंदस शब्द होता है सकारांत, उस छंद का चिंतन करे। और ये ना स्तोमे ना स्तोष्यमाण, जो स्तोम का स्तोत्र समूह, स्तोम का अर्थ होता है स्तोत्र समूह, ये सामवेद में आता है, सोमजाग में आता है, टीका में दे रखे हैं।
त्रिविध पंचदश सप्तदश ये सब होता है स्तोम, है ना। जिस स्तोम मतलब स्तुति परक स्तोत्र समूह, उसे जो स्तुति करेगा, स्तुति करने वाला है उद्गाता, ताम स्तोमम उपधावे, उस स्तोम का भी क्या चिंतन करना चाहिए, है ना। ऐसा है जैसे कोई श्लोक से भगवान का ध्यान करते हैं, वो श्लोक कहाँ का है उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, कहने का मतलब उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जिस श्लोक से भगवान का चिंतन करेंगे वो श्लोक भी कहाँ का है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, ये परंपरा है। यदि नहीं आता है तो पूछना चाहिए लोगों से, श्लोक भी कहाँ का है कि नहीं, ये परंपरा सब होती है। अच्छा, ये ना छंदसा, छंद मतलब कौन, देखो ये गायत्री आदि छंद हो गए, गायत्री दिना स्तोष्यन स्यात छंद उपधावे, है ना। ये ना स्तोमेन स्तोष्यमाण, जिस स्तोम विशेष से स्तुति करेगा है ना, उसका भी चिंतन करना चाहिए। टीका में दे दिया, गायत्री इत्यादि ना इति आदि पदम उष्णिक, उष्णिक छंद है, अनुष्टुप छंद है, बृहत छंद है, ये सब ले लो संग्रहार्थम। अस्तोम क्या है, त्रिविध पंचदश सप्तदश एकविंश, ये सब स्तोम होता है, ये प्रसिद्ध है। सोम जागे स्तोम, ये सोम जाग में ये प्रसिद्ध होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक विचार आया कि देखो मंत्र में जो है ना स्थोष्य माणः स्यात्, यहाँ पर यह धातु है स्टुइ स्तुतो, स्तुति अर्थ में स्टु धातु होता है ना। अरे यहाँ पर क्या है, ये लृट लकार है, लृट 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 लकार है ना, तो लृट लकार में भी जो है ना सत्री प्रत्यय होता है, लट के स्थान पर सत्री तो होता ही है, लट सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरण है, लेकिन कभी कभी लृट लकार में भी हो जाता है, लृट लृट से चल लृट होता है ना, तो लृट के स्थान पर भी सत होता है, तौ सत, लोगो सिद्धांत कुमुदिनी के सूत्र है, तौ सत, ठीक है ना। सत्री और सानच की संज्ञा होती है सत, क्या संज्ञा होती है सत, दंत सकार सत, सत मतलब वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं, सत मतलब व्याकरण की संज्ञा किसको बोलते हैं, सत्री और सानच को बोलते हैं क्या, सत, तौ सत। और लिट लकार के स्थान पर विकल्प से होता है, लिट रह सतवा, लिट लकार के स्थान पर सत संज्ञा का प्रत्यय होता है विकल्प से, कौन सा होगा, सत्री और सानच हो जाएगा, ठीक है। पहले सत्री प्रत्यय का प्रयोग दिया, कहाँ पर दिया, पूर्व मंत्र में दिया था ना, स्तोष्यन दिया है ना, स्तोष्यन धातुस्तु है, आगे क्या लिट है, पर लिट के स्थान पर क्या हो गया, सत्री, सत्री का अत, अस्य हो गया लटा, क्या है, सता से ले लुटो, तो स्य हो गया, अस्तु के उकार को गुण हो गया, तो क्या बनेगा, सत्री करेंगे तो स्तोष्यन, मतलब स्तुति करता हुआ करेगा, यहाँ पर स्तुति करेगा है ना, परसे पद में है ना, सत्री अपने करेंगे तो स्तोष्यति बनेगा, स्तोष्यति तिंगंत हो गया, आ सत्री करेंगे तो तिंगंत नहीं होगा, वो सुबंत है, क्या होगा, सुबंत चल जाएगा, सुबंत में उसका रूप चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इस मंत्र में दे रखा है स्तोष्य माणः, यहाँ पर क्या है, सानच प्रत्यय हो गया, लिट के स्थान पर सानच, सानच का रहता है आना, ठीक है, स्तु आगे स्य आगे क्या है, आना हो गया, और आने मुख से मुख आगम हो गया, किसको, स्य को, अदंत अंग को मुख आगम हो जाता है, सानच का आना पर रहते, जैसे पचमान है कि नहीं, वहां पर तो माँ हो गया ना, माँ वो मकार का मुख का है,
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर स्तोष्य में जो अ है ना अंतिम में अ, उसको मुक करेंगे तो क्या होगा, स्तोष्य माणा, नकार को नकार हो गया, स्तोष्य माण मतलब स्तुति करेगा, ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तिंग अंत इसको करेंगे तो क्या होगा, स्तोष्यते, क्या होगा, स्तोष्यते हो जाएगा। सानच करेंगे तो स्तोष्य माण, ये किसकी तरह चलेगा, राम की तरह चलेगा, स्तोष्य माण, स्तोष्य माणव, स्तोष्य माणहा हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ क्या होगा, स्तुति करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो फल जो है ना अपने को मिलेगा, क्योंकि आत्मनेपद वहां पर होता है यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो, है ना। आप लोग लघु पढ़ते हैं तो स्वरित इत कर्तव्य प्राय क्रिया फले, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखें, टीका कर दिया है इसी को ऊपर, आत्मने प्रद प्रयोग प्रतिपन्नम अर्थम, आत्मने प्रद का प्रयोग दिया है इस मंत्र में, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्तोमा अंग फलस्य कर्तृगामित्वात् आत्मने पदम स्तोष्यमाण इति, ये देखो लिख दिया, क्योंकि आत्म पद का प्रयोग किया स्तुति ने, किस शब्द से, स्तोष्यमाण, इसलिए फल किसको मिलेगा, जो उद्गान करेगा, है ना, जो उद्गान करेगा शाम का उसको फल मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये अभिप्राय है, तम स्तोमम उपधावेत, उस तम विशेष का भी चिंतन करना चाहिए। एक पंक्ति ले लीजिए, पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैं यत्र कर्तृगामे फलम तत्र आत्मनिपदम प्रयोज्यते, जहाँ पर कर्ता को फल मिलता हो क्रिया का, वहां पर उस धातु से आत्मनिपद का प्रयोग होता है। सूत्र बता दिया आपको, सरितैत स्टुइ है ना, स्टुइ यहाँ पर यकारित है, स्टुई स्तुतो यकारित है, तो इत धातु होने से उभयपदी हो जाता है। क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो आत्मनिपद, दूसरे को मिलता हो तो परसी पद हो जाएगा, ये दिया है। प्रकृते च स्तोष्यमाण इति आत्मनिपदम दृश्यते, इस मंत्र में आत्मनिपद का प्रयोग दे दिया, स्तोष्यमाण तस्मात, इसलिए एतत् फलस्य कर्तृगामित्वं गम्यते, इसलिए इसका फल जो है कर्ता को मिलेगा, मतलब जो गान करेगा ना उसको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, है ना। जजमान को नहीं मिलेगा, पंडित को बोल दे मेरे लिए गान कर दो, उसको नहीं मिलेगा वो जो गान करेगा ना उसी को ही मिलेगा, ये अभिप्राय। अन्यथा पूर्वतयोर इव परसिम पद प्रयोग प्रसंगात, नहीं तो यहाँ पर परसिम पद का प्रयोग करना चाहिए। देखो पूर्व मंत्र में दिया परसिम पद का, कैसे दिया, स्तोष्यन दिया है कि नहीं, आगे मंत्र में भी देंगे अभिष्टोष्यन, तो पूर्व मंत्र में उत्तर मंत्र में जैसे परसिम पद का प्रयोग किया गया इसमें भी करना चाहिए था, लेकिन सूत्र ने नहीं की, इसलिए यहाँ पर जो उद्गान करेगा उसी को ही फल मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग, व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।